अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद उमर, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। मोहम्मद उमर 19 अप्रैल 1955 में पैदा हुए थे और उनको ज़्यादातर आवाम उमर शरीफ के नाम से जानती है, जो कि पाकिस्तानी एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी भी हैं। और उनका शुमार बहुत ही आला तरीन कॉमेडियंस और सब कॉन्टीनेंट्स में माना जाता है। उन्होंने 1974 में इस इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया और 2021 तक रहे। रिसेंटली उनकी एक हमारे पास ये बहुत ही हमारे लिए बुरी खबर है कि हमारे दरमियान से एक बहुत अजीम और अच्छी पर्सनैलिटी शख्सियत इंतकाल कर गई, जिनका इंतकाल अभी आज 2 अक्टूबर 2021 को हुआ है। और इनकी उम्र 66 ईयर्स थी जब इनका इंतकाल हुआ। और इनको इस इंडस्ट्री से एक खिताब भी मिला, टाइटल मिला, जिसका नाम था किंग ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार था। और उमर साहब ने 1974 में अपने करियर का आगाज़ कराची से किया, जिससे उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मर का सबसे पहले रोल निभाया। और वो एक उनकी उस वक़्त उम्र 14 ईयर्स थी। उन्होंने थिएटर से स्टार्ट किया और उस वक़्त उन्होंने उनका नाम उमर ज़ारिफ़ बताया, मगर बाद में उन्होंने चेंज करके उमर शारिफ कर दिया। उनके सबसे पॉपुलर कॉमेडी स्टेज प्लेज में से 1989 के बकरा किस्तों पर और बूढ़ा घर पे है, ये दो फेमस प्लेज हैं। और 2009 में अक्टूबर में शारिफ साहब ने ख़ुद अपना लेट नाइट टॉक शो स्टार्ट किया था जियो टीवी पर। और वो बहुत सारे एक्टर्स, इंटरटेनर्स, म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया करते थे। और शारिफ साहब को 1992 में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और शारिफ साहब वो वाहिद एक्टर हैं जिन्होंने 4 निगार अवार्ड्स एक साल में हासिल किए और उन्होंने 7 ग्रेजुएट अवार्ड्स भी हासिल किए। लेकिन बदनसीबी से 10 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तानी टेलीविज़न होस्ट एंड न्यूज़ एंकर वसीम बादामी, जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कि वो कैंसर ट्रीटमेंट की उनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करवाएँ। और उसके बाद इंडियन सिंगर दलेर मेहंदी ने भी इस चीज़ की अपील की प्राइम मिनिस्टर से कि वो जल्द से जल्द शारिफ साहब के लिए ट्रीटमेंट का इंतज़ाम करें। और 11 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ने एक मेडिकल की टीम ट्रीटमेंट के लिए हायर की और यूनाइटेड स्टेट का वीज़ा लगाकर मेडिकल ट्रीटमेंट को 16 सितंबर 2021 में सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव करके 40 मिलियन रुपीज़ उस ट्रीटमेंट पर लगाकर उनकी पूरी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से 2 अक्टूबर 2021 को वो हॉस्पिटल नमरबर्ग जर्मनी में उनका इंतकाल हो गया। हमारे नज़दीक वो एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत और ख़ास अहमियत हासिल रखने वाली शख्सियत थे, जिनको हमने आज खो दिया। अल्लाह पाक उनकी रूह को सुकून दे।